क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अमृत पाल और मेरे साथ सोनू भाई जो कि मेरी वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो आज हमारे क्या आईटी पार्क में, क्योंकि हमारे घर के पास ये अच्छी जगह पड़ती है जहाँ हम वीडियो बना पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा ट्रिक जिससे आप अपनी बाइक की साउंड को इंक्रीज़ कर सकते हो, थोड़ी बेस बढ़ा सकते हो। और इसका कोई चालान नहीं है, ये इलीगल नहीं, इससे आपकी बाइक को हार्म भी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। मैं फ़िल्टर निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना एग्जॉस्ट से कुछ पंगा लेने की बात कर रहा हूँ। आपको सिंपल से ट्रिक बताऊँगा, अगर आपके पास पल्सर है, ये ट्रिक मोस्टली पल्सर 180, 150, 220 में काम करेगी। आप अपनी बाइक के हिसाब से देख सकते हो अगर काम करती है तो वो ट्रिक बताऊंगा। इससे कोई चलान नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं होएगा और कोई आपकी बाइक के इंजन को हार्म नहीं पहुंचेगा, कोई आपकी माइलेज ड्रॉप नहीं होगी, आपकी बाइक की एवरेज कम नहीं होगी। तो आपको ट्रिक बताता हूँ सिंपल सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बाइक का फिल्टर होता है, तो आपको पता है एयर फिल्टर होता है यहाँ पर उसके ऊपर ना, यहाँ पर सीट के नीचे कैप होती है जो कि हवा को बेंड कर रही होती है। तो आज हम उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपको दिखाएंगे साउंड में क्या फ़र्क है, ठीक है। पहले आपको विद वो पाइप के साथ सुनाता हूँ जो एयर होल्डर है। तो पहले आप बाइक सुन के आवाज़ सुनो, सिंपल आवाज़, ठीक है। ये थी सिंपल आवाज़, ठीक है। ये आवाज़ आप ईयरफोन लगा के सुने तो आपको एकदम ओरिजिनल आवाज़ आएगी, ठीक है। तो अब हम इसका वो जो है एयरफ्लो को जो बेंड करता है उसको रिमूव कर देंगे। हम फिल्टर को, एयर फिल्टर को रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ ध्यान से वाली वीडियो देखना, अगर पल्सर 150 है, 180 है, 220 है या कोई भी अदर बाइक है जिसमें ये वाला फंक्शन हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, तो वीडियो बनते रहने दो कोई नहीं। तो यहाँ से हम ये टप्पा खोलेंगे, पहले खुलजा टप्पा और उसके बाद हम ये वाला सीट खोलेंगे आगे वाली। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर ये है, ठीक है। ये हवा को बेंड करती है, ठीक है। यहाँ से एयर फ्लो अंदर जाता है बट ये हवा को बेंड करती है, उसको हम निकालते हैं, ऐसे निकल जाता है, देखो, ठीक है। ये करता क्या है, ये हवा को बेंड करता है, हवा को टिड्डा करके अंदर डालता है, ठीक है। बट अब क्या आएगा, अब हवा की हवा सीधी जाएगी अंदर, ठीक है। तो अब सी आवाज़ सुना तो कैसी हो जाएगी, देखो आप। तो आपने आवाज़ सुनी तो ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ वापस। तो सुनो भाई, क्या फर्क लगा आवाज में, कान फाड़ दिए। ये इसको नहीं लगा रहा, इसको नहीं लगा रहे, अब आपको आवाज सुनाएंगे इसकी, ठीक है। इसको खिंचा के लगा लेंगे। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है इसकी सीट को लगाना, तो मैं इसकी सीट को लगाता हूँ फटाफट। तुमने लगा दिया, फिर से आवाज सुनाता हूँ, बट इस बार थोड़ी आवाज़ कम हो जाएगी क्योंकि अब सीट है। तो इसका नुकसान कोई नहीं है, ठीक है, इसका नुकसान कोई नहीं है और आपकी एवरेज वगैरह नहीं कम होएगी, बट हवा का फ्लो है वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आवाज़ की आवाज़ सुनाता हूँ मिर्चा में। फर्क लगा कुछ, पिकअप बढ़ गई मेरे, है ना। वो हवा का फ्लो तेज आ रहा है ना एकदम से, डायरेक्ट आ रहा है। पर ऐसे बाइक को हार्म होता है ना? हार्म नहीं, क्योंकि फिल्टर तो लगा हुआ है, फिल्टर तो अपने काटा नहीं, जो हवा को बेंड करता है ना, टेढ़ा करता है, हमने उसको काटा है। अच्छा, मेरे को लग रहा है एक दो BHP बढ़ गई इसकी, सही है ना। आदत ना पड़ जैसे चलाने में, मेरे को तो ये लग रहा है एक दो BHP बढ़ गई है सच में इसकी, है ना। चला के देखते हैं, मेरे को पता, मैंने एक बार चलाई थी बहुत पहले, हां मैं चला के देता हूं। अब तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। हाँ,
करा दे रही है अभी है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना हवा का फ्लो एकदम तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो पिकअप को थोड़ी तेज बढ़ गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 17 BHP की बाइक है ना, 19 BHP लग रही है, सही बताऊँ तो सही है। चीज कर सकते हो आप अपनी बाइक के अंदर ट्राई, ठीक है। तो वीडियो चलो जरूरी से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये है सोनू भाई की आईडी और ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ठीक है। हमें जरूर फॉलो करें आप, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।